Madam Speaker, yes. As this August House is aware, when the Insolvency and Bankruptcy Code was introduced, the country's banking sector was going through a serious crisis. All of us are very much aware where the genesis of that crisis lies. When we took over this government in May of 2014, and the Honorable Prime Minister spoke about it on Friday, when this August House had resoundingly rejected the no confidence motion also against this government, he spoke about the dire financial stress that the Indian banking system was faced with because of indiscriminate and absolutely baseless lending that happened during the period 2008 to 2014, where the banking system gave money to promoters who had no business to get the promoters in the loans in the first place. When we took government, when we took over this government, the stress in the banking sector, including the stressed assets and the NPAs, was humongous and was because of bad lending prior to 2014. The cases that the honorable member is referring to are also loans which have been given during that period and then subsequently restructured and have continued to be evergreen, because of which the banking system was in dire straits. In this situation, please, he is talking about the banks, no? Madam, इतनी आवाज़ करी होती, इतनी बात करी होती इन्होंने जब वो लोन दिए जा रहे थे, तो आज ये समस्या देश के सामने नहीं होती। मैडम, ये जो पूरी समस्या के जड़ जिसका मैंने आपको जिक्र किया, इसमें एक और पहलू था। पहले जो पुरानी सरकार के समय में डीआरटी, सरफेसी, बीआईएफआर जो कानून थे लोन को रिकवर करने के, वो एकदम ही कमजोर थे और बड़े लोगों से कभी आज तक पैसा बैंक रिकवरी नहीं कर पाते थे। छोटे लोगों पे तो नोटिस जाता था, कोई आदमी छोटा लोन ले तो बैंक उसके पीछे पड़ती थी, लोन वापस दो। पर बड़े व्यक्ति को जब ये बैंक के लोन दे देती थी तो वो सोचता था अब मेरा अधिकार है, मुझे पैसा मिल गया, अब पैसा वापस करने की लेने की जिम्मेदारी बैंक की है और कोई बड़े आदमी की संपत्ति कभी जब्त नहीं की गई, कोई बड़े आदमी की संपत्ति या फैक्ट्री छोटा कभी वापस नहीं लिया गया और उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार की है। ऐसी परिस्थिति में आईबीसी का ऑर्डर, आईबीसी का कानून लाया गया। जब आईबीसी का कानून लाया तब कई माननीय सांसद ने कुछ विषय रेज किए थे, जैसे होम बायर्स का क्या होगा अगर कुछ डेटर्स, कुछ लोन देने वाले बैंक अड़चन करते हैं और रेजोल्यूशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण कंपनियां बंद हो जाती हैं, जॉब लॉसेस होते हैं और लिक्विडेशन वैल्यू जो स्वाभाविक है कि आईबीसी से भी कम होती है, जो आईबीसी में रेजोल्यूशन में मिलती है उससे भी कम वैल्यू मिलती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए सदन में चर्चा के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने घोषित किया था कि एक कमेटी बैठेगी जिसमें सरकारी अफसर होंगे, आरबीआई के अफसर होंगे, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, कानूनी लॉयर्स होंगे और सब मिलके इस पूरे कानून को स्टडी करके कुछ सुझाव समक्ष रखेंगे सरकार के। उन सुझावों के हिसाब से इन अमेंडमेंट्स को लाया गया। ये सभी अमेंडमेंट्स प्रोस्पेक्टिव है, इसमें कोई रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं है। तो अगर कोई भी आरोप इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप लगाया जाए वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। कोई भी कानून किसी को सूट करने के लिए लाया नहीं गया, ये सभी प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं। सो द क्वेश्चन इज दैट लीव बी ग्रांटेड टू इंट्रोड्यूस द बिल। दोज इन फेवर में से आए, दोज अगेंस्ट में से नो। Leave is granted. The minister may now introduce the bill. Madam, I rise to introduce the bill. Thank you. Statement, Piyush Goyal ji, or Reliance Ka. Madam Speaker, I rise to lay on the table an explanatory statement in Hindi and English, showing reasons for immediate legislation of by promulgation of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Ordinance 2018, Number 6 of 2018.